कब्र का अजाब भी हक है और कब्र की नेमतें भी हक हैं। बहुत से गुमराह फिरके अजाब कब्र को नहीं मानते, जैसे मोतजिला वगैरह, और आज भी इन मोतजलियों के बच्चे और चूजे मौजूद हैं जो उनकी रविश पे चलते हुए अजाब कब्र का इनकार करते हैं और इसको महज अपनी अकल से परखने की कोशिश करते हैं और गुमराह होते हैं और गुमराहियां मोल लेते हैं। हालांकि कब्र का अजाब और कब्र का इनाम किताब और सुन्नत दोनों में मजकूर, अन्नार युहरजून अलैहा गुदूवन वअशिया, फिरौन का आले फिरौन का, जिन्हें उनकी कब्रों में सुबह शाम अजाब और आग पेश की जा रही। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तरा इद यतवफ्फल लदीन कफरू अल मलाइकतु यद्रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूहु अज़ाब अल हरीक। काफिर मरते हैं तो फरिश्ते मारते हैं उनके चेहरों पर और उनकी पीठों पर और कहते हैं कि चखो इस आग के अजाब को। यह आलम बरज़ख का जिक्र, फरिश्तों का मारना बरज़खी अजाब है और उनको हुक्म देना कि इस आग के अजाब को चखो, ये बरज़खी अजाब है। इसी तरह जो मरने के बाद नेमते हैं और नेमतों के सिलसिले का कायम होना है, ये भी किताब और सुन्नत से साबित है, अहादीस तो बेशुमार है, मगर कुरान पाक में अल्लाह का फरमान, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्म इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इसमें मलाइका मरने वालों को जन्नत की बशारत दे रहे हैं, कोई खौफ नहीं, कोई हुज़ूर मलाल नहीं, बल्कि खुशी ही खुशी, राहत ही राहत। और ये बरज़ख की नेमतें हैं और बरज़ख में अहले ईमान के लिए, मुवाहिदीन के लिए अल्लाह ताला का इनाम है, जिसकी बशारत फरिश्ते जो है वो मरने वाले को दे रहे हैं। तो अजाब कब्र भी हक है और कब्र की नेमतें भी हक हैं और किताब व सुन्नत से दोनों चीजें साबित हैं। हमारा इस पर ईमान, जो ईमान के छह अरकान हैं, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान और अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान और रोज़े आखिरत पर ईमान। रोज़े आखिरत पर ईमान का मायना ये है कि जो मरने के बाद का जहान है, जिसमें बरज़ख भी है और आखिरत भी है, उन तमाम उमूर पर ईमान लाना जो किताब और सुन्नत में बयान है। और किसी एक अमर की आपने नफी कर दी तो आपका रोज़े आखिरत पर ईमान काबिल कबूल नहीं, और जब ईमान काबिल कबूल नहीं तो आपका मुकम्मल ईमान काबिल कबूल नहीं। अब जैसे मोतज़िला जहमिया वगैरह आखिरत के मीज़ान को नहीं मानते, कुबले सिरात को नहीं मानता, कोई शफाअत को नहीं मानता, इसी तरह कोई अज़ाब कब्र को नहीं मानता, हालांकि ये सारे उमूर आखिरत है। यानी शरीयत ने आखिरत के ताल्लुक से जिस जिस चीज की खबर दी उस चीज पर ईमान लाना हक और फर्ज है। और अगर किसी एक नुक्ते पर आपका ईमान नहीं है तो आपका मुकम्मल रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं, आप मुनकिर हैं। और जब आप मुनकिर हो गए तो आपका कोई ईमान काबिल कबूल नहीं, ना ईमान बिल्लाह काबिल कबूल है, ना ईमान बिल रुसुल काबिल कबूल है, ना ईमान बिल मलाइका काबिल कबूल है, ना ईमान बिल कदर काबिल कबूल है, कोई ईमान काबिल कबूल नहीं। मन हाबित मन यकफुर बिल ईमान फकत हाबित अमल, जो किसी अमर ईमान के साथ कुफर कर ले तो उसके सारे अमाल बर्बाद और ज़ाया हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस अकीदे पर जो किताब व सुन्नत ने पेश किया और जो अहले सुन्ना का बेहतर इजमाई अकीदा है कि अजाब कब्र हक है, इनाम कब्र भी हक है, अल्लाह ताला हमें इस ईमान पर कायम रखे। वल्लाहु तआला मुस्तआन व सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व अहले ताअतिही अजमाईन।